बजे से मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू, शिवराज सरकार ने लिया सबसे बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में भी नाइट कर्फ्यू बुधवार आज से लगने वाले हैं। आपको बता दूं कि सोमवार के दिन 800 इस प्रदेश में 800 नए केसेस मिले, वहीं इंदौर में 267 नए केसेस मिले और भोपाल में 199 केस मिले, जिसके बाद शिवराज सरकार की जो चिंता है वो काफी ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू बुधवार यानी कि आज से लगाया जाएगा। वहीं इंदौर और भोपाल के अलावा 8 और शहरों जैसे कि जबलपुर, रतलाम हो गया या फिर उज्जैन, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, इन शहरों में भी लगेंगे। फिलहाल इन शहरों में नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन रात्रि 10 बजे के बाद बाजार जो है वो बंद हो जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। अगर इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो और राज्य जो हैं जहाँ पे कोरोना संक्रमण केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोरोना काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रहे, उनका जो नाम है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो शहर है, पंजाब, इन सब शहरों में जो कोरोना केसेस जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें देश भर में जो कुल 24 घंटे के अंदर जो केसेस मिले हैं वो है 28,903, वहीं जो रिकवरी केसेस हैं उनकी संख्या जो है वो 17,741 केसेस है और इनमें से 188 लोगों की जान गई। देश भर में अब तक साल 2020 से लेके साल 2021 अभी तक में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 1,14,09,595 लोग इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें 1,10,25,631 लोग अभी तक ठीक हुए हैं। वेल, तब तक के लिए ऐसे ही देश दुनिया के ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।